वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस समय पहला विश्व युद्ध छिड़िया, उस वेले जर्मन फौजा तूफान दे वांग अगे वधियां। जिमें दूजी जंग दे विच हिटलर दी कमान हेठ वधियां सन। पहली जंग विच इटली जर्मन दे विरुद्ध लड़िया। कैसर विलियम जर्मनी दा सब तो बड़ा उस समय हुक्मरान सी, ते उसने भी हिटलर वांग चंगे मार के मारे। जर्मन दे साटिस दा नंबर सब नालों अगे सी। पहली आलमी लड़ाई विच सब तो पहले हवाई जहाज इसने ही जंग दे विच वरते सन। फ्रांस दीआं पहाड़ियां जिन्हां उत्ते जर्मन फौजां ने अगे वध के कब्जा कर लिया सी, वह अंग्रेजी ते फ्रांसीसी फौजां लई जान दा जोखम बन गईआं सन। गोरियां दीआं हजारां ही फौजां ने पहाड़ियां दे उपर हमले किते, पर भारी नुकसान सहना पिया। अंग्रेजा कोल बहुते देश होण करके उन्हां हर मुल्क दीआं फौजां रखियां होईआं सन। अंत फैसला कीता कि भारतीय फौजां नूं हमला करन दे लई अगे तकिया जावे। उन्हां दी कमान करन वाला एक अंग्रेज जां फ्रांसीसी होवे, लेकिन फौज किसी होर देश दी होवे, क्योंकि फ्रांसीसी मार खा के मोर्चे दी आस ला बैठे सन। इसलिए अजित फौजां सिख पलटना नूं भेजण दा फैसला होया। यह फ्रांस दीआं ओ मशहूर पहाड़ियां सन जिथे वारसाई पैक्ट होया सी, ते सुलाहनामे उत्ते जर्मना कोलों दस्तखत करवाए गए सन। इत्थे जर्मना ने अजिहे तरीके नाल मोर्चे बनाए सन कि अंग्रेजां नूं कई वार हमले करके भी कामयाबी हुंदी नज़र नहीं सी आउंदी। जर्मनी साइंस दी अंग्रेजां नूं समझ ना आउंदी, अते जो भी फौजां पहाड़ी वल वधदियां गोलियां दी बुछार दे नाल मार खप जांदियां सन। ते हुण सिख तोपखाने नूं हमला करन दा आर्डर दिता गया। सिख बहादुरां नूं जद हुक्म मिलिया तां ओह भी सोची पै गए कि किवें इह मोर्चा सर कीता जावे। सारी सिख फौज इस गल ते मुतफिक हो गई कि 101 रुपए दी दस्त दा कड़ा प्रसाद करके अरदास कीती जावे। शरदा दे नाल प्रसाद तैयार किया गया। एक मन एक चित हो के अरदास कीती गई कि हे सच्चे पातशाह, परदेश भी तेरे सिख मौत दा शिकार होण लगे हन, तू साडे अंग संग होमी। बड़ी ही अधीनगी ते शरदा दे नाल अरदास सिख फौज दे वलों होई। जोड़े मना दी अरदास सतगुरु जरूर ही सुनदा है, ये पत्थर ते लकीर बनी गल है। अंग्रेज लोग अगे ही सिखां दी रहनी बहनी तो जाणू सन। इन्हां ने उसे वेले जिस चीज़ दी सिंघां ने मंग कीती, विदेशी अफसरां ने दे दित्ती सिखां नूं। सिखां ने 2 घंटे इस काम दे विच खर्च कर दिते, ते विदेशी अफसर देखदे रहे। दिलों वह समझदे सन कि यह मौत दा ग्रास होण लई तैयार हो रहे हन। सिख फौजी पूजा पाठ तो वेले हो के आपो अपनियां थावां ते पुज गए। उधरों एडवांस मार्च दा बिगल बजा दिता गया। तोपखाने दे सिख फौजी अपनियां तोपां दे मूँह पहाड़ी दे निशाने वल बन्नन लग पए, ते तोप दी दूरबीन दे नाल उसनूं चंगी तरह जांचिया अते अनुमान लगाया कि उत्थे अग बढ़ रही है। तोप दी शिश्त ला के गोला उस धुएं वाली थां छड़ दिता, ते नाल ही बाकी तोपां ने भी ठा ठा गोले मारने आरंभ कर दिते। ते उधर पैदल फौजी एडवांस मार्च नाल अगे वधने शुरू हो गए। बेशक मौत सब नूं सामने दिस रही सी, पर दिल दा धीरज कायम सी। गुरु जी वल सब दा पूरा ध्यान लगा होया सी। वाहिगुरु दी कुदरत के पहले गोले नाल ही जोनिल पहाड़ी नूं फतेह कर लिया गया। ज्यों ज्यों फौजां अगे वधदियां, अगों कोई गोली जां तोप दा फायर ना हुंदा वेख के हौसले सिंघां दे होर भी बुलंद हो गए। फ्रांसीसी अफसर मूँह विच उंगला पा रहे सन कि इह सिंघां ने कैसा अजित मोर्चा जित लिया है। सिख फौजी अपने कृपालू सतगुरां दा ध्यान करके कोटानकोट धन्नवाद कर रहे सन कि हे सच्चे पातशाह, बिखड़े जाओ लंगावे मेरा सतगुरु, बाला अपना बचन पूरा तुसां कर विखाया है। एक अंग्रेज अफसर ने एक सिख सूबेदार नूं आखिया, तुसां तां कमाल कर विखाया है। तां अगों सिख सूबेदार दा उत्तर सी कि इह कमाल असां नहीं कीता, इह तां अरदास दा कमाल है, सतगुरु जी दा कमाल है। सतगुरु जी हमेशा सिख दे अंग संग हन, ते ओ जाहर जहूर सतगुरु हर जगह हाजिर ने। इह उस सिख अफसर ने कहा सी, साडी सिर्फ इतनी कमाल है कि असी एक मन हो के अरदास कीती है, ते उस अरदास दा सदका सतगुरु ने साडी सहायता कीती है। असल विच सिख तोपची वलों छड्या पहला ही तोप दा गोला उत्थे जा लगा जिथे जर्मन फौजियां ने सारियां तोपां चलाउण वाला इंजन ते बटन फिट कीता होया सी। जद बटन ही उड गया तां तोपां कित्थों चलणियां सन। सिख पलटन नूं अगे वधदा देख के जर्मन फौजां पहाड़ी उतर के पिछे हटनिया शुरू हो गई, सिख फौजियां ने पहाड़ियां ते कब्जा कर लिया। ये साके ने सिख फौजियां दी धार्मिक रुचि ते बहादुरी दा सिक्का अंग्रेजां दे दिलां ते बिठा दिता, ते इसे कारण
अंग्रेजा ने लड़ाई जितने श्री अकाल तख्त साहिब अते होर कई गुर अस्थाना विखे श्री अखंड पाठ साहिब करवाए सन। अखीर अंग्रेजा नू इस जंग में जित प्राप्त हुई। अरदास दी इस बरकत अते शक्ति नू अंग संग रखण लई सिख फौजा जिथे भी जांदियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन सरूप नाल रखदियां सन। अते फौजी सिखां दा निवेकला सन्मान शब्द शक्ति शक्ति करके हमेशा कायम रहिंदा सी। इन्हीं बेनतियां प्रवान जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।